हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ो इंडिया। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सेकंड की वीक 22 की इंग्लिश की वर्कशीट और हम करेंगे चैप्टर स्ट्रेंज टॉक। चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैच द एनिमल्स विद देयर होम्स। देखिए यहाँ पर कुछ आपको जानवर दे रखे हैं और आपको उनके घर दे रखे हैं। आपको इन जानवरों को उनके सही घर से मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। डक यानी बतख को मिलाएंगे पॉन्ड तालाब से। फ्रॉग मेंढक को मिलाया हमने रिवर यानी नदी से। पिग को मिलाया हमने स्टाई से। पप्पी यानी पिल्ले को मिलाया कैनल से। और बर्ड को मिला दिया हमने नेस्ट से। बर्ड का मतलब होता है चिड़िया और नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको सही शब्द को चुनना है और इन फिल इन द ब्लैंक्स में उसको भर के वाक्य को पूरा कर देना है। तो करते हैं पूरा वाक्य को। फर्स्ट, बाउ वाउ क्राइड द डॉग लाउडली। कुत्ता चिल्लाया बाउ वाउ। सेकेंड, द बेबी इज स्लीपिंग। बच्चा सो रहा है। थर्ड, क्वैक क्वैक सेड द डक। बत्तख बोली क्वैक क्वैक। फोर्थ देखिए, ओह इट इज हॉट। ओह कि यह तो गर्म है। फिफ्थ, वाओ व्हाट अ ड्रेस। इसकी हिंदी होगी वाओ क्या ड्रेस है। सिक्स्थ देखिए, वी वी क्राइड द पिग। पिग बोला वी वी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको उनसे मिलते जुलते लय वाले शब्द लिखने हैं। पहला करते हैं लॉग, इसके राइमिंग वर्ड्स हैं फॉग और डॉग। फॉग का मतलब होता है धुंध और डॉग का मतलब होता है कुत्ता। सेकेंड देखिए, पिग, इसके राइमिंग वर्ड्स हैं डिग और बिग। थर्ड, रो, इसके राइमिंग वर्ड्स हैं फ्लो और ग्लो। फोर्थ देखिए, मेक, इसके राइमिंग वर्ड्स हैं टेक और केक। फिफ्थ, लैक, इसके राइमिंग वर्ड्स हैं ब्लैक और बैक। क्वेश्चन नंबर 4, टिक द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको नीचे सेंटेंसेस दे रखे हैं और उसमें 2 वर्ड्स दे रखे हैं जिसमें से सही वर्ड को आपको टिक करना है। फर्स्ट, वी डिड नॉट शाउट इन द क्लास। हम कक्षा में नहीं चिल्लाए। सेकेंड, डू यू लाइक टू ड्रिंक वाटर। क्या आप पानी पीना पसंद करेंगे। थर्ड, ही ट्राइड टू क्लाइम द ट्री। उसने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। फोर्थ, विल यू प्लीज हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद करेंगे। फिफ्थ, आई कैन सी विद माई आइज। मैं अपनी आँखों से देख सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थिंक एंड आंसर। सोचो और जवाब दो। पहला, डू यू हैव अ पेट व्हाट इज इट्स नेम। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, उसका क्या नाम है। यस आई हैव अ पेट इट्स नेम इज टॉमी। हाँ मेरे पास एक पालतू जानवर है, इसका नाम टॉमी है। सेकेंड, हाउ डू यू प्ले विद इट। तुम उसके साथ कैसे खेलते हो। वी प्ले विद बॉल। हम बॉल के साथ खेलते हैं। थर्ड, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंज टॉक ऑफ योर पेट। तुम अपने पालतू जानवर की अजीब बातों को कैसे समझ पाते हो। आई अंडरस्टैंड द स्ट्रेंज टॉक ऑफ माई पेट बाई इट्स बार्किंग एंड एक्शन। मैं अपने पालतू जानवर की अजीब बातों को उसके भौंकने के अंदाज और उसके एक्शंस से समझ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ योर फेवरेट पेट एंड राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। तो अब आपको अपने पालतू जानवर के बारे में 5 लाइनें लिखनी है और उसका चित्र बनाना है। तो मैं 5 लाइनों को लिखता हूँ। माई पेट्स नेम इज़ टॉमी। मेरे पालतू जानवर का नाम टॉमी है। इट्स कलर इज़ ब्लैक। इसका रंग काला है। इट ईट्स बिस्किट्स एंड रोटी। यह बिस्कुट और रोटी खाता है। इट प्लेज विद मी। यह मेरे साथ खेलता है। वी लव ईच अदर। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और बच्चों यहाँ देखिए, ये खाली जगह है, इसमें आपको अपने उस पालतू जानवर का चित्र बनाना है। तो ये मैंने अपने पालतू जानवर का चित्र यहाँ बना दिया है।
आप भी अपने पालतू जानवर का चित्र यहाँ बनाएंगे। तो बच्चों, ये हमने वर्कशीट सॉल्व कर ली है और सब्जेक्ट्स की वर्कशीट के आंसर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।